अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 के एक टॉपिक को समझने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन। तो आज के इस लेक्चर में हम ड्राइव करने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन, साथ ही साथ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑफ मास अटैच्ड विद स्प्रिंग, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन और मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑफ मास अटैच्ड विद स्प्रिंग। यानी हम इस डेरिवेशन के साथ तीन चार और छोटी छोटी डेरिवेशन भी जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं वो आज करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले जो ये डायग्राम है ये मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि इस डायग्राम को हमने किस तरीके से बनाया। तो हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल मैंने यहां ड्रॉ किया और हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका नाम है पी का, एक पार्टिकल है जिसे के नाम दिया है पी का। सेंटर के मुकाबले में इसका जो फासला जो भी होता है हमें मालूम है ये क्या है, रेडियस। सेंटर को मैं नाम दे रहा हूं ओ का, सेंटर को नाम दे रहा हूं ओ का। अब प्रोजेक्शन की अगर बात करते हैं, प्रोजेक्शन क्या है, साया। याद रहे इस डेरिवेशन से पहले आपने वो वाली डेरिवेशन जरूर देखनी है, मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल, जिसमें हमने साबित किया था कि जब कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है उसका प्रोजेक्शन जो होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो वो डेरिवेशन देखने के बाद जब आप इस डेरिवेशन पाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत आसान लगेगी। तो ये पार्टिकल पी है, अगर मैं इसके प्रोजेक्शन की बात करता हूं तो इसका प्रोजेक्शन हमारे पास जो है उसको हमने नाम दिया है क्यू का। अब अगर मैं इसकी वेलोसिटी की बात करता हूँ तो आपको मालूम है कि लीनियर वेलोसिटी अगर मैं देखें, एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा, चलो भाई मैंने यहाँ बना लिया। अगर इसकी लीनियर वेलोसिटी अगर मुझे बनानी है तो मुझे क्या करना होगा, टेंजेंट ड्रॉ करना होगा और टेंजेंट और रेडियस के दरमियान आपको मालूम है हमेशा एंगल होता है 90 डिग्री का। तो मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और ये टेंजेंट जो है वो क्या है, ये वेलोसिटी को शो कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब इस वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूं तो वर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, वर्टिकल एक्सिस के लिहाज से ये एंगल बना रहा है, यहां क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, एंगल क्या है, थीटा। तो इस वेलोसिटी को हम दो हिस्सों में क्या कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं। एक एंगल के सामने वाला हिस्सा है, एंगल के सामने वाला हिस्सा है और एंगल के अपोजिट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर को हम वीपी वाई का नाम दे रहे हैं। और बकिया जो रह जाता है वो पैरेलल कंपोनेंट है और पैरेलल कंपोनेंट क्या है, VPX। पैरेलल कंपोनेंट VPX है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्या है, VPY। ओके भाई, अब यहां से देखें प्रोजेक्शन Q और O के दरमियान का जो फासला है उसे हम नाम दे रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का, और इसी तरीके से सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का जो फासला होता है वो रेडियस ही है। लेकिन अगर आपको मालूम है कि सेंटर जो है ये मीन पोजीशन है और सर्कमफेरेंस जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन है, तो ये रेडियस जो है वो किसके बराबर है, एम्पलीट्यूड के। याद रहे इस चैप्टर की शुरुआत में मैंने पहले ही कहा था कि इस चैप्टर के तमाम लेक्चर आपने सीक्वेंस में देखने हैं तो इंशाल्लाह एक एक टॉपिक आपको बहुत आसान लगेगा। तो एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन यही थी ना, मीन और एक्सट्रीम के दरमियान का जो फासला होता है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो ये मीन है, ये एक्सट्रीम है, तो इसका मतलब जो फासला है ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। ये डायग्राम बन गया हमारे सामने। अब जो है वो यहाँ एक पैराग्राफ, कंसीडर अ पार्टिकल पी, हमारे पास एक पार्टिकल पी है विच इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, जो कि एक सर्कल में मूव कर रहा है और सर्कल की रेडियस क्या है, आर, विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या रखी हमें, कॉन्स्टेंट। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पी कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। अब जो है ना पार्टिकल पी जो है उसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, पार्टिकल पी की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसे हम क्या कर रहे हैं, दो हिस्सों में रिजोल्व कर रहे हैं। एक है पैरेलल कंपोनेंट और दूसरा है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंगल के बिल्कुल अपोजिट जो कि VPY है और जो रे जाता है VPX, पैरेलल कंपोनेंट है। ओके भाई, अब जो है अगर इस दोनों वेलोसिटी में अगर आप देखें प्रोजेक्शन की, देखो हम क्या मालूम करने जा रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन। इन दोनों में से अगर आप देखें प्रोजेक्शन की वेलोसिटी कौन सी है, इन दोनों में से अगर आप देखें प्रोजेक्शन की वेलोसिटी क्या है, क्योंकि जब कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो प्रोजेक्शन ऐसे मूव कर रहा होता है,
ये लास्ट टाइम भी इससे पहले बात की थी, क्योंकि पार्टिकल पी यहाँ जाएगा तो प्रोजेक्शन नीचे आएगा, पार्टिकल पी यहाँ आएगा तो प्रोजेक्शन यहाँ आएगा, पार्टिकल पी यहाँ आएगा तो प्रोजेक्शन यहाँ आएगा, पार्टिकल पी यहाँ आएगा तो प्रोजेक्शन यहाँ। अगर ये पार्टिकल सर्कल पे मूव कर रहा है तो प्रोजेक्शन की मूवमेंट तो ऐसी है। तो यहाँ हमने कहा कि ये जो प्रोजेक्शन है इन दोनों में से, वी पी एक्स और वी पी वाई में से, वी पी एक्स और वी पी वाई में से जो वी पी वाई है ये प्रोजेक्शन की वेलोसिटी है। VPY जो है ये क्या है, प्रोजेक्शन की वेलोसिटी है। तो हमने कहा क्योंकि प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये भी क्या है, VPY की डायरेक्शन जो बता रही है ये प्रोजेक्शन की वेलोसिटी है। तो हमने कहा VPY इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन क्यू। VPY जो है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है किसकी, प्रोजेक्शन की। अब VPY किसके बराबर होता है, VP sin थीटा, और VPY की जगह मैंने लिख दिया VQ। VQ शो कर रहा है ये क्या है, प्रोजेक्शन की वेलोसिटी है। अब ये VQ जो है वो बराबर हो गया है VP sin थीटा। देखो ना भाई, VQ बराबर, देखो VPY VP sin थीटा के बराबर है और VPY को मैंने VQ का नाम दे दिया, तो इसका मतलब VQ किसके बराबर है, VP sin थीटा। अब ये VP जो है यानी लीनियर वेलोसिटी है ये बराबर होती है R ओमेगा के। तो मैंने यहाँ रखा VP की जगह लग दिया VQ बराबर है R ओमेगा। अब जो हमारे पास है, और अगर मैं चाहूँ तो इसको V इंस्टेंटेनियस भी लिख सकता हूँ ताकि आप परेशान ना हो, VQ है ना, ये इंस्टेंटेनियस करके भी आप सिंबल यहाँ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके भाई, तो हमने कहा या वी क्यू भी लिखें तो भी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ हमने लिख दिया आर ओमेगा। अगर आप डायग्राम में देखें कि आर किसके बराबर है, एक्स नॉट के, एम्पलीट्यूड के बराबर है, तो मैंने आर की जगह लिख दिया है एक्स नॉट। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आगे मैं आपको डायग्राम को थोड़ा ट्विस्ट बताता हूँ कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ना, वो है ओ पी क्यू। अब ओ पी क्यू में हमारे पास बेस मालूम है हमें, और हमें हाइपोटेन्यूस मालूम है, हमें बेस मालूम है और हमें क्या मालूम है, हाइपोटेन्यूस मालूम है, हमें परपेंडिकुलर मालूम नहीं है। जबकि साइन थीटा जो है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस तो मालूम है, परपेंडिकुलर तो मालूम नहीं है। हमें यहाँ से यहाँ मालूम है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है, एक्स मालूम है, और हमें यहाँ से यहाँ जो है वो रेडियस मालूम है, हमें बेस मालूम है, हमें जो है वो हाइपोटेन्यूस मालूम है, परपेंडिकुलर तो मालूम नहीं है। तो परपेंडिकुलर नहीं मालूम तो इसका मतलब इस ट्राइंगल से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। इसी तरीके से टेंजेंट थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर तो मालूम नहीं है। इसका मतलब इस ट्राइंगल से हम सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा निकाल सकते हैं, बाकी कोई और चीज़ नहीं निकाल सकते। जबकि हमें कॉस थीटा तो चाहिए ही नहीं, हमें तो साइन थीटा चाहिए। अब इसका हल क्या है, तो हमने साइन थीटा की जगह इसकी वैल्यू रख दी, हमने साइन थीटा की जगह इसकी वैल्यू रखी। साइन थीटा बराबर है अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारी मजबूरी थी कि हम इस ट्राइंगल से कॉस थीटा के अलावा कुछ भी मालूम नहीं कर पा रहे थे। तो हमने क्या कर दिया है कि साइन थीटा की जगह इसकी वैल्यू रख दी, और ये हो गया साइन थीटा बराबर है अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ आ गया, समझ आ रही ना भाई, कॉस थीटा क्यों रखा, ये वजह थी। वरना हर डेरिवेशन में सीधी सीधी जो चीज़ें चाहिए थी वो मालूम हो जाती थी, लेकिन यहाँ आ जाकर हम फंस गए थे, इसीलिए साइन थीटा की जगह हमने इसकी वैल्यू रख दी। ओके भाई, अब हमें मालूम है ना, बेस मालूम है, ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस। अब निकाल लेते हैं ट्राइंगल ओ पी क्यू। ट्राइंगल ओ पी क्यू से कॉस थीटा बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस बराबर है एक्स के और हाइपोटेन्यूस बराबर है आर के। एक्स ओवर आर मैंने रख दिया यहाँ, ये हो गया एक्स अब ओवर आर, इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। इसी तरीके से अब ब्रैकेट मैंने खोला तो ये हो गया एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, आर की जगह, देखें भाई आर की जगह मैंने क्या लिख दिया, आर की जगह मैंने रख दिया है एक्स नॉट, क्योंकि आर बराबर है एम्पलीट्यूड के, यहाँ रख दिया। ओके भाई, यहाँ तक पहुँच गए। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया तो ये एक्स नॉट हो गया, और यहाँ जो है वो एक्स नॉट से इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स नॉट स्क्वायर हो गया, यहाँ एक्स नॉट से कैंसिल, तो ये सिंपल यही आ गया। अब ये एक्स नॉट स्क्वायर जो है ना, एलसीएम आ गया ना, इसको रूट से बाहर निकाल सकता हूँ, इससे पहले नहीं निकाल सकता था। अब ये मैं इसको रूट से बाहर निकालता हूँ तो ये एक्स नॉट स्क्वायर जो है वो रूट से बाहर आ गया और एक्स नॉट हो गया। एक्स नॉट से कैंसिल हो गया और हमारे पास वी क्यू आ गया ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या आप इसकी जगह लिख सकते हो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास बराबर है ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये हमारे पास फॉर्मूला है क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन। और पेपर में इसके साथ साथ छोटी छोटी और डेरिवेशन दे देता है, भाई यहाँ तक तो आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। लेकिन अगर पेपर में कह दे कि इसके साथ साथ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑफ मास अटैच विद स्प्रिंग भी मालूम करो, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑफ मास अटैच विद स्प्रिंग के लिए ये फॉर्मूला हमने सीधा सीधा दे लिया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन इज गिवन बाय, अभी हमने मालूम किया था इंस्टेंटेनियस बराबर है ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यह आ गया फॉर अ बॉडी ऑफ मास अटैच विद स्प्रिंग।
बॉडी ऑफ मास अटैच विद स्प्रिंग के लिए जो हमने इससे पहले वाले में टाइम पीरियड में मालूम किया था, ओमेगा बराबर होता है अंडर रूट के ओवर एम। ओमेगा किसके बराबर होता है? अंडर रूट के ओवर एम। तो मैं इस ओमेगा की जगह रख दिया है अंडर रूट के ओवर एम, बाकी ये अपनी जगह रहा। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला आपके सामने है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑफ मास अटैच विद स्प्रिंग का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑफ मास अटैच विद स्प्रिंग का ये फॉर्मूला आ गया। फिर इसी तरीके से हमारे पास पेपर में आ जाता है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन भी मालूम करो। तो हमने कहा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन इज गिवन बाय, अभी ये फॉर्मूला मालूम किया था। और मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होती है? मीन पोजीशन पे। याद रखिएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है वो मीन पोजीशन पर होती है, और मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? भाई देखो ना, ये जो है ना ओ, अगर ये प्रोजेक्शन जो है वो मीन पर है, ये मीन पोजीशन है, क्यू क्यू है ना वो ओ पर है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो, फासला ही नहीं है ना। मीन से जैसे जैसे फासला तय करते हो वो डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये क्यू ओ पर ही है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। तो ये मीन पर मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, तो हमने कहा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला था फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो के बराबर, यहाँ जीरो रखा तो ये हमारे पास ये हो गया वी मैक्स ओमेगा बराबर है अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर। ये आ गया, अब ये रूट से बाहर निकल सकता है, तो ये वी मैक्स की हमारे पास वैल्यू है। वी मैक्स हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी बराबर है ओमेगा एक्स नॉट के। देखो ये सारे फॉर्मूले जो है ना ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या है, तो ये फॉर्मूले भी आपने याद रखने होते हैं एप्टीट्यूड लेवल पर। ओके भाई, रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। पेपर में आ जाता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मालूम करो, और फिर कहता है कि आप दोनों के दरमियान क्या करो, रिलेशन बताओ। तो हमने कहा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन इज गिवन बाय। अब देखो भाई, प्रोजेक्शन की जब हम डेरिवेशन कर रहे थे ना, प्रोजेक्शन की हम इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन की डेरिवेशन जो अभी हम कर रहे थे, इसमें ये वाला स्टेप था ना, वी क्यू एक्स नॉट ओमेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर, ये फॉर्मूला था ना, सीधा मैंने ये रखा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन इज गिवन बाय, ये वाला स्टेप लिखा मैंने, और ओमेगा एक्स नॉट, वरना हमने क्या किया था, इसको रूट से बाहर निकाला था, उसको कैंसिल आउट किया था ना, अब ये नहीं करना। ओमेगा एक्स नॉट की जगह क्या रख दिया हमने? वी मैक्स रख दिया। तो ये फॉर्मूला हमें बता रहा है रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस एंड मैक्सिमम वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस एंड मैक्सिमम वेलोसिटी के दरमियान ये रिलेशन बता रहा है। फिर इसी तरीके से मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑफ मास अटैच विद स्प्रिंग कहेगा, तो क्या कहेंगे? हमने कहा मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन इज गिवन बाय, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन क्या था हमारे पास? ओमेगा एक्स नॉट था। ओमेगा किसके बराबर होता है फॉर अ बॉडी ऑफ मास अटैच विद स्प्रिंग? ओमेगा बराबर होता है अंडर रूट के ओवर एम। तो मैंने क्या किया, ओमेगा की जगह रख दिया, वी मैक्स बराबर है अंडर रूट के ओवर एम एक्स नॉट। तो ये हमारे पास है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑफ मास अटैच विद स्प्रिंग। तो यहाँ जाकर हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन के साथ साथ जितनी छोटी छोटी डेरिवेशन पेपर में जो कहे वो करनी है, सब नहीं, जितनी छोटी छोटी डेरिवेशन मुमकिन थी वो सारी हमने कर ली है। अगर आपको हमारा आज का ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते, तो आपका इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सबका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।